सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जो यूपी टेट है उसके जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हो चुके हैं उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो पर्यावरण जो शिक्षा हमारा पोर्शन है जिसमें टोटल 30 प्रश्न आते हैं उसके अंतर्गत हमने इसे पहले वाले वीडियो में 15 अक्टूबर सन 2017 का जो है वो पेपर सॉल्यूशन कराया था, जिसके अंतर्गत हमने 30 प्रश्न पर्यावरण शिक्षा के देखे थे। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे सन 2016 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जो पर्यावरण शिक्षा के 30 प्रश्न आए थे उन सभी का सॉल्यूशन विद स्पष्टीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न 121 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है हमारा नीम, दूसरा ऑप्शन है देवदार, तीसरा ऑप्शन है चीड़ और चौथा ऑप्शन है हमारा ओक। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जैविक कीटनाशक। अगर थोड़ा सा भी अगर आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए तो बहुत सी जो शारीरिक रोग होते हैं वो नीम से ही दूर होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि जो मसूड़े वगैरह हैं वहाँ पर आप दंत मंजन की जगह जो है नीम की जो डंडी होती है उससे भी जो है वो दंत मंजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जैविक कीटनाशक के रूप में ही उपयोग होती है। तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पर एक जो है वो सही हो जाएगा। और जो आयुर्वेद है इसमें जो है नीम जो है बहुत उपयोगी भी जो है वो मानी जाती है। और जो नीम की जो छाल होती है उसका जो लेप होता है वो सभी प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं यानी कि त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं और उसके साथ साथ जो घाव होते हैं उसके निवारण में भी जो है वो सहायक होता है। अगला प्रश्न 122 है हमारा कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ये प्रश्न इससे पहले भी आया था। देखिए सिंपल सा इसका उत्तर है हमारा सूर्य। आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य है वो भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो माना जा सकता है। और क्यों माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के किसी भी मतलब जो सूर्य की ऊर्जा है उसके बिना किसी भी वनस्पति का जो है वो विकास जो है वो, अगर सूर्य की ऊर्जा उसे ना मिले तो विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं सूर्य की ऊर्जा जो है बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न 123 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन है हमारा महोगनी, दूसरा ऑप्शन है हमारा कैक्टस, तीसरा ऑप्शन है हमारा फर और चौथा ऑप्शन है हमारा चंदन। तो आपको बताना है कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत जो प्रश्न में जो पॉइंट दिए रहते हैं उनके आधार पर भी आप गेस कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो। तो बात करें इस उसके उत्तर की तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मरुस्थलीय। अब मरुस्थल में अगर आप देखेंगे तो उस प्रकार के पौधे उगते हैं जिनमें जो है वो जल की जो संचय करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है मरुस्थली वाले जो इलाके होते हैं वहाँ जल की बहुत कमी होती है, तो वही पौधे जो है वो रुक पाएंगे या कह सकते हैं टिक पाएंगे जिनमें जल संचय करने की क्षमता होती है। और उसके साथ साथ जो है वो कांटेदार होते हैं, कांटेदार जो होते हैं उसमें से जो जल होता है वो जो है वो वाष्पीकरण जो है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कैक्टस। कैक्टस जो है वो सपुष्पक वनस्पतियों का जो है वो एक जीव वैज्ञानिक फूल है जो कि अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने और कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। और इसके लगभग 127 वंश जो हैं उसमें संगठित 1750 जातियां जो हैं वो अभी तक ज्ञात हैं। अगला प्रश्न 124 है हमारा कि टाइटन ग्रह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। पहला ऑप्शन है हमारा वरुण, दूसरा ऑप्शन है हमारा बुध, तीसरा ऑप्शन है हमारा शनि और चौथा ऑप्शन है हमारा शुक्र। तो आपको बताना है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है।
जितने भी ग्रह हमारे हैं उन सभी के ग्रह उपग्रह याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे एक क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो जाता है, ना केवल आपके पर्यावरण अध्ययन में, वैसे अगर आप BTC के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो है इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि टाइटन जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। शनि जो है वो सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि पहले नंबर पर जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद हमारा दूसरे नंबर पर कौन सा है, शनि। तो इनका बड़ा ग्रह सबसे छोटा ग्रह ये सीरियल भी जो है आपको पता होना चाहिए। औसत व्यास में जो है जो शनि ग्रह है ये पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है तथा जो कह सकते हैं एक गैस के गोले के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और शनि ग्रह की एक विशेषता जो है इसकी वलय प्रणाली है, जो कि छल्ले आपने देखा भी होगा, अगर आप सौर मंडल का पूरा चित्र बनाते हैं 9 ग्रह का, तो एक ग्रह होता है इसमें छल्ले टाइप के जो है यूज टाइप से बने होते हैं, तो ये जो है हमारा शनि ग्रह ही होता है। और इसमें छल्लों की संख्या की बात करें तो टोटल 9 जो है वो मुख्य छल्ले हैं और 3 जो है वो असतत चाप से जो है वो मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न 125 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए, कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू, ये आपको बताना है कौन सी बायोडीजल की फसल है। अगर आपको बायोडीजल नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ बायोडीजल क्या होता है, मतलब कि इसमें से ऐसी फसल आपको बतानी है जिससे जो है कह सकते हैं डीजल जैसे कि आप यूज़ करते हैं दहन के रूप में, तो वही जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जेट्रोफा। जेट्रोफा की लगभग 175 जो है प्रजाति की वनस्पतियों का जो है वो समूह है, जिसमें झाड़ियाँ और पौधे जो है वो सम्मिलित हैं। इसके पौधे जो हैं वो भारत, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और कैरेबियन जैसे जो ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं उसमें भी जो है वो उत्पन्न होते हैं। और बात करें जेट्रोफा की, तो ये जो है वो एक बड़ा पौधा है जो झाड़ियों के रूप में जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। और इस पादप से यानी कि इस पेड़ से प्राप्त होने वाले जो बीज है उसमें 25-30% तक जो है वो तेल निकाला जा सकता है। हो सकता हो ये भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाए, तो 25-30% तक जो है इससे तेल निकाला जा सकता है, जो कि मैंने आपको प्रश्न में ही बताया बायोडीजल की फसल है। अगला प्रश्न 126 है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए जितने भी ये संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, एक जगह सबको नोट डाउन करके याद जरूर कर लीजिएगा, एक प्रश्न आपका कहीं ना कहीं इससे पूछा जरूर जाता है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जितने प्रीवियस ईयर के अभी तक सेट हमने सॉल्व किए हैं, 2018 का सॉल्व किया हमने, 2017 का सॉल्व किया और ये 2016 का हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सभी के जो प्रश्न हैं कहीं ना कहीं रिपीट जो है सब में हुए हैं, कहीं किसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो 2016 में रिपीट हो गया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो हम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनते चलिएगा। तो प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा उसको बात कर लेते हैं, तो 1986 जो है इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो आया था, भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है कानून बनाया था, इसी को जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कहते हैं, और इसको जो है 1986 को जो है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न 127 है हमारा कि भूमंडलीय तापन का कारण है, आपको बताना है क्या कारण है। पहला ऑप्शन है हमारा हिमनदों में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, और चौथा ऑप्शन है हमारा वनों में वृद्धि। तो आपको बताना है कि जो भूमंडलीय तापन है उसका क्या कारण है। तो बात करें कारण की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि है यही जो है वो भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय ताप जो है उसका अभिप्राय होता है तापमान में वृद्धि होना, जो कि पृथ्वी के भूमंडल पर पाया जाता है।
इसकी वृद्धि के अनेक कारण हैं जिसके तहत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो वृद्धि मानी जाती है। ये वृद्धि जो है वो उद्योग, परिवहन, धूल कण आदि कारणों से जो है वो होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या सवाना बायोम। तो आपको बताना है कि किसमें सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो जैव विविधता जो है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम जो है इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। विषुवत रेखा जो है हमारी, उसको पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जो जीव और वनस्पति हैं उसकी उत्पत्ति का कारण जो है वो माना जाता है। और पृथ्वी का जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जहाँ अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पाई जाती है, वहीं जो है वो सर्वाधिक जैव विविधता के लिए भी जो है वो पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 129 हमारा कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। और ये प्रश्न अभी हमने जो हाल ही में BTC सेकेंड सेमेस्टर के राजन के सभी बहुविकल्पी बात की थी वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया, वहाँ पर हमने ये बताया भी था। तो कहीं ना कहीं आपके BTC के कोर्स से भी ये क्वेश्चन उठते हैं, तो अपने BTC कोर्स का जो भी सारे टॉपिक है उसको जो है वो ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं इसके उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा काली मिट्टी। एक्चुअल में जो काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है उसकी बात करें, तो जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है वो क्या होता है, जब ऊपर जो भूमि होती है उस पर आता है तो ठंडा हो जाता है और ये जो है काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। और ये जो काली मिट्टी है ये खेती के लिए जो है बहुत उपजाऊ मानी जाती है, खेती के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। आपको बताना है कौन सी जो है वो परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो अगर आपको पता होगा कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो कौन से जो मंडल है उसमें पाई जाती है, तो इजीली तरीके से जो है आप इसको टिक कर लेंगे। तो बात करें इसके उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समताप मंडल। वायुमंडल का जो निर्माण है वो विभिन्न परतों से होता है, आप भी जानते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ये सारी जो परतें हैं वो पाई जाती हैं। और जो पृथ्वी की सतह इससे ऊपर की ओर आप बढ़ेंगे तो क्षोभ मंडल सबसे पहले आता है, उसके ऊपर जो समताप मंडल है उसी के अंतर्गत जो है ये पराबैंगनी जो किरणें हैं इसको जो है वो आने से जो है वो रोकती हैं। और जो ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इसके कारण जो है हमको त्वचा कैंसर जैसी ये सारी बीमारियां जो है ये भी हो जाती हैं। अगला प्रश्न 131 है हमारा कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान। गंगा एक्शन प्लान को लाने का यहाँ पर बात पूछी गई है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो एक्शन प्लान से ही आप समझ सकते हैं कि जल की जो गुणवत्ता है इसमें सुधार लाने हेतु जो है इसका जो लाने का जो उद्देश्य था वो रखा गया था। जो सरकार है उसके द्वारा गंगा की जो सफाई है और गंगा के जल की जो गुणवत्ता है दोनों को ही संज्ञान में रखकर जो है वो गंगा एक्शन प्लान जो है इसको लाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कब लाया गया था, तो 1985 जो है इसमें जो है ये लाई गई थी, ताकि जो गंगा है उसमें प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। अगला प्रश्न 132 है हमारा कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। यहाँ पर पूछा है झीलों का शहर, तो प्रश्न को ध्यान से समझ के फिर उत्तर दीजिएगा। और बात की जा रही है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो बात करें इसके ऑप्शन की, तो उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर अगर देखा जाए इंदौर साफ सफाई के मामले में जो है इसको फर्स्ट जो है वो नंबर मिला था, तो काफ़ी लोग जो है इसको टिक कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। इसलिए नाम पर ना जाइएगा, उसकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसके आधार पर जो है अगर आप गैस कर रहे हैं तो गैस कीजिएगा। तो कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, भोपाल।
अगला प्रश्न 133 है, हमारा शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या, सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो आप सभी जानते हैं सेवा ही जो है वो सबसे बहुमूल्य निधि होती है। अगला प्रश्न 134 हमारा कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है, सिद्धांत है, कानून है, खोज है या मूल संकल्पना है? बात की जा रही है परिकल्पना की, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिद्धांत। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से जो परिणाम होता है वो गलत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार परीक्षण करने से सिद्धांत जो होता है उसमें शुद्धता की संभावना जो है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न 135 हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कौन सी, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलेख? आपको बताना है कौन सी जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, यानी कि कौन सी जो है वो सबसे उपयुक्त टीचिंग टेक्निक है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो विचार गोष्ठी एवं जो कार्य योजना है ये इन सभी में जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक जो है यही उपयुक्त भी जो है वो मानी जाती है। इसमें जो है शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें गुणवत्ता को सुधारने में जो है वो सहायता और प्रोत्साहन जो है वो मिलता है। अगला प्रश्न 136 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बतानी है। मैंने जो है इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस प्रीवियस जो मैंने सॉल्व कराए थे उनमें, तो अगर वो आपने देखी होगी तो आपका बिल्कुल भी जो है वो गलत नहीं होगा। आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन? तो बात करें इसके उत्तर की, तो इसमें जो है वो हीलियम जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं के अंतर्गत आ जाएगी। हीलियम जो है ये एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में ही रहता है, और ये जो है वो एक निष्क्रिय गैस या कह सकते हैं नोबल गैस भी है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन गैस है। इसका अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो 2 होता है, और सभी तत्व जो होते हैं उसमें इस गैस का जो क्वथनांक और जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण जो है ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं होती है। अगला प्रश्न 137 हमारा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? तो आप सभी जानते हैं कि ध्वनि जो है वो डेसिबल में जो है वो मापी जाती है। अगला प्रश्न 138 है हमारा कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको बताना है, ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और देखिए कहीं ना कहीं इससे पहले वाला जो हमने सेट सॉल्व कराया था उसमें भी नदियों से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि नदियों से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है। तो आपको बताना है कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। तो बात करें उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा जो नदी है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, और इस नदी का जो उद्गम है वो रांची जो है उसके नज़दीक छोटा नागपुर के पठार से होता है, और ये जो नदी है वो अपने उद्गम स्रोत से बहती हुई पूर्वी सिंह भूमि जिसको हम झारखंड के अंतर्गत देखते हैं उसको पश्चिम मेदिनीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में और जो बालासोर जो कि उड़ीसा में है इसको होते हुए जो है वो बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। और यही हमारा प्रश्न पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सी नदी गिरती है। लंबाई की इसकी बात करें तो 395 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और देश का प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर जो है वो इसी नदी के तट पर जो है वो बसा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार SSC बैंक के लेवल पर पूछा गया है कि जमशेदपुर के निकट जो है कौन सी नदी जो है वो बसी हुई है, या कह सकते हैं जमशेदपुर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। सुवर्ण रेखा नदी जो है उत्तर हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 139 है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? आपको बताना है किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। यह आपका प्रश्न जो है वो बीटीसी से ही पूछा गया आपके कोर्स में, जो है यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, ये सारी चीज़ें जो है वो थी। तो आपको बताना है किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। बात करें उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यू आकार की जो घाटी है इसका निर्माण जो है वो हिम नदों द्वारा होता है, और जिसको हम हिमानी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, और इसका जो नामकरण है वो यू आकार जो है अंग्रेजी का इसके आधार पर हुआ है, और इससे ही जो है इस घाटी की जो है आकृति है वो मिलती भी है, इसी आकार की जो है हमारी घाटी भी होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न 140 की, कि राकेश जो है वो कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, ये आपको बताना है कौन सा सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला है प्रधानाध्यापक जो है इसकी जानकारी मिलाना, दूसरा है खेल की कक्षा में आने पर प्रतिबंध लगाना, तीसरा है उसकी अनियमितताएं जो हैं उसके कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और चौथा है उसकी जो अनियमितताएं हैं उसको लिखित जानकारी माता पिता को देना। अब आपको बताना है ये यदि कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है तो आप इनमें से क्या चुनेंगे। तो बात करें इसके उत्तर की तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि जो उसकी अनियमितताएं हैं उसके कारणों को जानेंगे और उसे सही मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करेंगे, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 141 है हमारा, कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ उनको साथ में याद भी ज़रूर करते रहिएगा। मैं ये मानता हूँ कि एक बार में याद नहीं होगा, तो इससे पहले मैं हम जो सॉल्व करा चुके हैं उनको दोबारा देखिए, बार बार देखने से आपको जो है वो याद हो जाता है, जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो बार बार सुनने से आपको याद हो जाता है, उसी प्रकार जो है आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको स्वतः ही चीज़ें याद हो जाएंगी। बात करते हैं इसके उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से, जो ग्रीन मफलर है ध्वनि प्रदूषण से जो है वो संबंधित होता है, और इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का एक ही उपाय है कि जो परिवहन व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए ताकि शोरगुल जो है वो कम हो और जो ध्वनि प्रदूषण जो है वो नियंत्रित हो सके। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा, कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को जो है वो अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ये आपको बताना है। तो बात करें इसके उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो भूमध्य सागर है ये जो है वो पृथ्वी का एक प्रमुख सागर है जो कि उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच जो है वो स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। भूमध्य सागर या रूप सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो है वो ये सागर है। और आपका जो प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से जो है ये भूमध्य सागर अलग करता है। अगला प्रश्न है हमारा, और एक चीज अगर आप इसको नोटिस करें तो यहाँ पर ए बी यू ये आपके एक ट्रिक भी जो है वो बन रही है अब्बू, तो ए से जो है हमारा हो जाएगा, अगर आप इसमें जो नाम दे रखे हैं उनमें देखें तो ए से हमारा हो जाएगा अफ्रीका, बी से हमारा हो जाएगा भूमध्य सागर, और यूरोप जो है वो हो जाएगा यू से, तो अफ्रीका, यूरोप और बीच में हमारा भूमध्य सागर। तो आप इसे याद रख सकते हैं अब्बू एक नाम से कि यूरोप को अफ्रीका से जो है वो भूमध्य सागर अलग करता है। अगला प्रश्न 143 से, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? ओजोन दिवस और ओजोन दिवस के बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके पर्यावरण अध्ययन से ही रिलेटेड है। तो बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, तो ये जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर एकदम रट लीजिए, काफ़ी बार
पूछ लिया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 144 है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो है वो होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। यह आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो कोर्स है उससे देखिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि किस खाद्य श्रृंखला में जो है वो शाकाहारी होते हैं। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर वाला पढ़ा होगा और मैंने इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना भी रखा है, अगर वो देखा होगा आपने तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ होगा या आप यहाँ पर गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बात करें इसके उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं। और क्योंकि इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादक है उसका अर्थ ही वह जीव होता है जो अपना भोजन जो है वो पौधे या मृदा से जो है वो प्राप्त करता है। अगला प्रश्न 145 हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जो है वो क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो तत्व है उसका जो चक्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो बात करें इसके उत्तर की तो उसके कहते हैं हम जैव भू रासायनिक चक्र। और ये जैव भू रासायनिक जो चक्र है ये पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व जो है उसमें ही आता है। और इसके अंतर्गत बात करें तो इसके तहत तो मृत जो वस्तु है मिट्टी की पूर्ण उर्वरता को जो है बनाए रखने में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न 146 है हमारा कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। यहाँ पर बात की जा रही है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण, जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है वो आपको बताना है। तो बात करें इसके उत्तर की तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी कि सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न 147 है हमारा कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में। तो कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है चाइना में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। तो चीन है ये एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है वो पांडा पाए जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि चीन में पांडा जो है इसके अनुकूल पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें जो है वो पांडा के खाने के लिए जो है वो बांस, आप जानते हैं पांडा खाता है, वो जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जो पांडा है वो बांस का ही भोजन करता है। अगला प्रश्न 148 है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। काफ़ी बार क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी गैस होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। यही जो है वो भोपाल गैस त्रासदी जो है उसका कारण था। इसमें जो है वो हजारों लोग जो है वो मर भी गए थे। और अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपके लिए मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न याद आया। वो प्रश्न ये है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था, ये जो है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे नेट से भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये जो अधिनियम है वन से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, जल से रिलेटेड, ये सभी जो है आपके पर्यावरण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं 4, जिससे आपको और थोड़ा सा इजी हो। पहला ऑप्शन है हमारा 1986, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1980 और चौथा ऑप्शन है 1974। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1986, 1972, 1980 और 1974। इन 4 में से आपको बताना है कब जो है वो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। इसका उत्तर जो है मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको बता दूंगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 149 है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में जो है वो मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा जापान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। आपको बताना है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। देखिए भारत में तो नहीं मनाया जाता है तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया।
आपको बताना है किसमें जो है वो मनाया जाता है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी है उस पर उत्तरी ध्रुव जो है उसमें ठंड पड़ती है, तो उस समय सूर्य जो है वो हमारा दक्षिणायण हो जाता है, और दिसंबर जो है उसके महीने में ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें जो है वो अधिक गर्मी पड़ती है, और इसी समय में जो है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है। जिस प्रकार भारत में भी जो है वो दिसंबर महीने में ही क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो लास्ट प्रश्न हमारा 150 है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा या शेर? आपको बताना है गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो बात करें इसके उत्तर की, तो काफ़ी बार हम आपको बता चुके हैं, इसको ट्रिक से भी आपको याद करा चुके हैं कि इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। और कहाँ स्थित है इसकी भी बात करें तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है गिर वन्य जीव अभयारण्य। मैंने आपको बताया था कि एक शेर था, इस शेर ने क्या किया, एक व्यक्ति को जो है वो गिरा दिया, और गिरने के कारण क्या हुआ, वो व्यक्ति गुजर गया। तो आप इसी से याद रखेंगे, शेर से आप याद रखेंगे कि ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये शेर का संरक्षण करता है, गिरा दिया से आप याद रखेंगे गिर वन्य जीव अभयारण्य, और गुजर से आप याद रखेंगे गुजरात। इन तीनों को जो है आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये जो टोटल 30 प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।